एंड वेलकम बैक टू यूर चैनल इजी नोट्स देखो uh, अब है आप लोगों का फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर बहुत से लोग बहुत पैनिक में होंगे और बहुत से लोग तो उम्मीद ही छोड़ चुके होंगे बट 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 आई गोट यू सो मेरी एम सी क्यूज अपार्ट फ्रॉम दिस सबकी एक्सप्लेशन मैं दूंगी तो मैं ये अश्योर कर सकती हूँ कि अगर आप कामली और कॉन्सेंट्रेटेडली मेरी एक्सप्लेशन जितनी भी मैं दे रही हूँ सब कुछ सुनेंगे तो बट ऑबली काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे ठीक है क्योंकि मैं सारे ही टॉपिक्स कवर कर रही हूँ सारे के सारे ठीक एंड बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले एम सी की वो ढूंढ ढूंढ के इस साइड से उस साइड से निकाल के लाई हूँ जो बेस्ट मुझे लगे वैसे तो बहुत जगह अवेलेबल थे तो लेट्स गेट स्टार्टेड पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वेंट्रीज तो हमारा उसका उसके हम आई थिंक पंद्रह बीस एम सी की करेंगे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं वट डज़ फ़ीफ़ो मीन फीफ़ो का मतलब क्या है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फुल फॉर्म यही है बात खत्म then we have regardless of how long it takes to produce and sell inventory inventory is always considered to be a current asset current liability long term asset ya stakeholders equity stakeholders equity hoga hi nahi acha ha ek cheez aur आप चाहे एम किसी भी सब्जेक्ट के सॉल्व करें जो मैंने कल के वीडियो में तीन चीज़ें बताई थी कि लाइक like, कि पहला हमारा होता है कि अगर हमें कंसेप्ट याद है सब कुछ क्लियर है तो जो ऑप्शन है डायरेक्टली उस पर क्लिक करो पहला ये तरीका दूसरा तरीका एलिमिनेशन कि तीन ऑप्शन जो बिल्कुल सूटेबल ना हो उन्हें हटाते जाओ और जो बच गया आंसर वही होगा हर हाल में और तीसरा तरीका होता है जय माता दी भगवान भरोसे बस मांग करके चले आओ तीसरा तरीका आप लोगों को इस्तेमाल ना करना पड़े इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ इतनी मेहनत से तो प्लीज़ ध्यान से सुनो और जो भी मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दे रही हूँ उनको ध्यान से सुनना ताकि तुम ऐसा अगर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कर सको ठीक है तो अब इन्वेंट्री क्या कंसिडर की जाती है चाहे वो बिकी हो चाहे वो ना बिकी हो तो उसे करंट असेट कंसीडर करते हैं क्यों क्योंकि उसकी जो वैल्यू है या फिर उसका जो हमें रिटर्न है वो विद इन अ ईयर मिल जाएगा मतलब बेसिक ऐसा एजम्पन होता है कि इन्वेंट्री एक साल के अंदर अंदर बिक जाएगी जो भी स्टॉक बचा हुआ है ठीक है तो लॉन्ग टर्म असेट तो हुआ नहीं क्योंकि एक साल के अंदर बिक के उसका हमें कैश मिल जाएगा लाइबिलिटी तो बिल्कुल ही नहीं हुआ क्योंकि उसके बदले में हमें कुछ मिलने वाला है ठीक तो है और लाइबिलिटी हमें खुद ही चुकानी पड़ती है स्टेक होल्डर की इक्विटी तो हो ही नहीं सकता तो बचा क्या ऑप्शन करंट असेट देन वी हैव द लास्ट लेटेस्ट कॉस्ट ऑफ़ इन्वेंट्रीज इज चेंज टू प्रोडक्शन बट दी ओल्ड प्राइजेज आर चेंज टू इन्वेंट्रीज ऑन हार्ट अब कन्फ्यूज मत होना लास्ट को लेटेस्ट भी बोलते हैं ठीक है क्योंकि जो आखिरी वाला होगा वही तो लेटेस्ट माल होगा है ना तो जहाँ लेटेस्ट कॉस्ट की बात की जाए तो वहाँ पर लीफो होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब लास्ट वाला माल इन जो अभी तुरंत स्टॉक में आया करंट करंट, करंट लेटेस्ट माल वो इन और जो सबसे पहले आया था इन्वेंट्री में उसको बेचना ठीक है तो फर्स्ट आउट ठीक देन वी हैव एंड इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज इंडिकेट दैट इन्वेंट्री में इंक्रीज क्या इंडिकेट करता है लाइक like अगर स्टॉक हमारा ज्यादा रखा हुआ है बिना बिका हुआ स्टॉक तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन है मोर मर्चेंटाइज वॉज परचेज दैन दी अमाउंट सोल्ड टू कस्टमर बट ऑबली जितनी आपने सेल की है उसके कम्पेरिजन में आपने बहुत ज़्यादा परचेजिंग करी हुई थी लेस वाला मर्चेंटाइज वाला ऑप्शन बी होगा नहीं ठीक है नॉट ऑल परचेज अगर कैश है तो बिल्कुल ही पॉइंटलेस ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही पॉइंटलेस है तो बचता क्या ऑप्शन ए अगर आपको याद नहीं भी है तो अगर आप एलिमिनेशन करेंगे ना तो नाइन्टी परसेंट चांसेज हैं कि आपके आंसर हमेशा सही होंगे अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करके एलिमिनेशन करेंगे तो ठीक है देन वी हैव विच टाइप ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम इज़ अपडेटेड इन इन्वेंट्री सिस्टम अब देखो अपडेटेड इन्वेंट्री सिस्टम कौन से टाइप का इन्वेंट्री सिस्टम है इसे हम परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बोलते हैं ठीक है थीके? ये बहुत रीसेंट का बहुत अपडेटेड इन्वेंट्री सिस्टम है इन्वेंट्री की मैनेजमेंट उसकी कॉस्टिंग प्राइसिंग वगैरह को देखने के लिए ठीक है पीरियडिक काफ़ी टाइम से चल रहा है कंटेंजेंसी यू नो कि कंटेंजेंसी क्या सिचुएशनल होती है लीफो भी काफ़ी टाइम से चला आ रहा है ठीक है देन वी हैव वॉट इज द प्रिंसिपल क्राइटेरियन यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टांजबल असट्स एंड इन्वेंट्रीज टानजबल असट्स और इन्वेंट्रीज के बीच का डिस्टिंग्विश करने का प्रिंसिपल क्राइटेरिया क्या होता है बट ऑबली फिजिकल सब्सटेंस ऑफ असेट क्वेश्चन का मतलब समझा आपने टैंजिबल असट्स और इन्वेंट्रीज टैंजिबल असेट्स क्या होते हैं वो जिन्हें हम देख सकते हैं देख सकते हैं छू सकते हैं एंड उनकी जिनकी मनी में वैल्यू हो ठीक है इन्वेंट्रीज़ क्या होती हैं वो स्टॉक जो बिका नहीं है तो इन दोनों का बेसिक डिफरेंस कहाँ से पता चलेगा उनकी फ़िज़िकल सब्सटेंस से क्यों अब जैसे प्लांट मशीनरी हमारा टैजेबल एसेट है प्लांट मशीनरी हो सकता है हम कभी बेचें पर क्या हमने उसको बेचने के लिए ख़रीदा था तो जो भी चीज़ हमने बेचने के लिए खरीदी थी और वो बिकी नहीं है वही इन्वेंट्री होती है तो जो फिजिकल सब्सटेंस है यही बेसिक क्राइटेरिया जिसके जिसके बेसिस पे हम टैंजबल असर्स और इन्वेंट्री को डिस्टिंग्विश करते हैं ठीक है बाकी ऑप्शन यूजलेस हैं ओके okay. मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है देन वी हैव विच ऑफ़ द फॉलोइंग मेथड इज़ सूटेबल फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वैन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ मर्चेंडाइज कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड अब देखो इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पूछा गया मतलब हर एक स्पेसिफिक यूनिट के बारे में तो अगर आपको ये कंसेप्ट या ये चीज़ नहीं भी याद है तो आप क्वेश्चन से देखो कि इंडिविजुअल यूनिट्स की बात की गई है तो वहाँ पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड को यूज़ किया जाएगा लीफो फीफो की बात तो की नहीं गई क्वेश्चन में तो वो ऑप्शन तो होना नहीं है ना ही एवरेज की बात की गई तो वो भी ऑप्शन नहीं होना है तो एलिमिनेट भी करोगे तो भी तीसरा ही ऑप्शन बचता है फिर हमारे पास हो द इन्वेंट्रीज़ आर रिकॉर्डेड एट द लेटेस्ट प्राइस बट द प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ चेंज ओल्ड कॉस्ट प्राइस इन्वेंट्रीज लेटेस्ट होती है मतलब फ़र्स्ट इन जो आया वो पहले और फर्स्ट आउट जो पहले आया वो पहले ही चला गया तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो पुरानी ही हुई ना जो पहले आया वो पहले ही चला गया तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो पुरानी ही हुई तो ये फ़ीफो की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? अब अगर आपको ये समझ में ना आए कि भाई फ़ीफो की बात कैसे कर रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है नो वरीज एलिमिनेशन करो एवरेज की बात यहाँ पे हुई ही नहीं तो एवरेज ऑप्शन होगा नहीं और जब बात एवरेज की नहीं हुई तो बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता एंड नन तो होना नहीं है बचा फीफ ठीक है देन वी हैव हैच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी मिसलीडिंग वन द यूनिट्स आर आइडेंटिकल जब यूनिट्स आइडेंटिकल होती हैं तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मिसलीड कर सकता है क्योंकि जब यूनिट्स एक जैसी हैं तो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कैसे करोगे है ना तो ये मेथड यहाँ पे मिसलीडिंग या फिर मिस कर सकता है गलत इंफॉर्मेशन एरर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे दैन वी हैव ड्यूरिंग सेप्टेम्बर खान हार्ड सेल्स ऑफ वन लाख फोर्टी एट थाउजेंड विच मेड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ फोर्टी थाउजेंड ओके okay. परचेज़ उसका एक लाख था और ओपनिंग इन्वेंट्री चौंतीस हज़ार थी तो इसका मतलब यह है कि ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेज़ मिला के जो उसके पास टोटल स्टॉक था वो एक लाख चौंतीस हज़ार रुपये का था ठीक है उसने जो सेल करी वो एक लाख सॉरी वन लाख फोर्टी एट थाउजेंड की करी और फोर्टी थाउजेंड का उसको प्रॉफिट भी हुआ तो यहाँ पे जब आप वन लाख थर्टी फोर थाउजेंड में से फोटी थाउजेंड का प्रॉफिट निकाल के जो अमाउंट बचता है वो होता है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ठीक है तो वो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है लाइक अगर आप पूरा परचेज और ओपनिंग इन्वेंट्री मिला के नेट इन्वेंट्री नेट स्टॉक देखेंगे ठीक है और उसके बाद उसका प्रॉफिट और सेल्स देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल जाएगी अब देखो पता है इसमें कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उसको वो जो जो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते थे नेट परचेज ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे ना तो आप ख़ुद देखो इसमें आपको चारों चीज़ें दी हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी है तो उन्हीं उन्हीं जगह पे प्लेस करके क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लो ठीक है हमेशा रिलेट करने की कोशिश किया करो देन वी हैव विच टाइप ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम रिक्वायर्स अपडेटिंग द इन्वेंट्री बैलेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बैलेंस को अपडेट करता है पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम ठीक है मूविंग वाले में अक्सर आई थिंक हर डे या हर वीक में अपडेट करना पड़ता है पीरियडिक है जो एंड में अपडेट करता है लीफो कुछ और ही है परसेप्चुअल कुछ और ही और फीफो कुछ और ही है ठीक है देन वी हैव इन लीफो मेथड ऑफ़ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इशूज़ ऑफ स्टॉक एट दी प्रोडक्शन इज़ एट लेटेस्ट प्राइस लीफ़ो मतलब लास्ट इन तो जो लेटेस्ट प्रोडक्शन था उसको हम सबसे पहले अंदर करते हैं तो ऑप्शन ए भी ठीक है उसके बाद मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इश्यूज ऑफ स्टॉक टू द प्रोडक्शन एट लेटेस्ट प्राइस अब देखो लास्ट का मतलब क्या जो लेटेस्ट प्रोडक्शन है सबसे पहले हम उसको उसकी एंट्री करते हैं तो ऑप्शन ए भी ठीक है उसके बाद फर्स्ट आउट जो सबसे पुराना प्रोडक्शन है सबसे पहले उसको बेचते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक इट एज लेटेस्ट प्राइस दोनों सही है तो बोथ ए एन बी ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे फिर हमारे पास है इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड इन्वेंट्री क्या इंक्लूड नहीं करती है इक्विपमेंट यूज इन मैन्यूफैक्चरिंग आर सोल्ड बट ऑब्वियसली जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किए गए उन्हें थोड़ी बचा जाएगा जो प्लांट मशीनरी जो स्टेब्लिश करी गई है वो तो फिक्स असेट है ना तो ये चीज़ इन्वेंट्री में नहीं आती बाकी मटेरियल्स यूज फॉर प्रोडक्शन आएगा ही आएगा असेट्स इंटेंडेड टू बी सोल्ड फॉर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस देखो अब कोई भी आप उसे जो हमने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री होती है उसे हम करंट असेट मानते हैं तो ऑप्शन नंबर बी वही चीज़ कहना चाह रहा है ठीक है ऑप्शन डी असर्स करंटली इन प्रोडक्शन फॉर नॉर्मल सेल अब सेल्स के लिए जो चीज़ प्रोडक्शन में है बट ऑब्वियसली वो तो इन्वेंट्री है ही उसके बाद हमारे पास नेट परचेज इज इक्वल द इन अमाउंट एंड नेट परचेज इक्वल टू इक्वल द का मतलब ये है कि नेट परचेज इज इक्वल टू इन अमाउंट एंड इसमें आप जो आंसर सी टिक हुआ उसको है उसको इग्नोर करिए नेट परचेज क्या होता है परचेज रिटर्न माइनस करते हैं तब तो परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करोगे तब तो नेट परचेज मिलेगा ना तो ऑप्शन बी सही है लेस परचेज रिटर्न एंड प्लस परचेज अलाउेंसेज अब कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड ये सब जो लगा होता है उसे ऐड करते हैं ना हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कुछ कुछ याद आ रहा है उसी से रिलेटेड है ये ठीक है हमेशा कनेक्ट कनेक्शन बना के चलने की कोशिश करो तो आपको सब कुछ याद रहेगा देन वी हैव इन फी मेथड ऑफ़ इन्वेंट्री वैल्यूएशन फीव में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सबसे पहले जो प्रोड्यूस हुआ सबसे पहले उसकी एंट्री और सबसे पहले उसी को बेचा जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि अर्लीस्ट प्राइस पे जो प्रोडक्शन की कॉस्ट uh, होते हैं स्टॉक होता है उसे हम लिखते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर देन वी हैव दी एवरेज इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड विच रिजल्ट्स इन अ चेंज्ड यूनिट इन्वेंट्री कॉस्ट आफ्टर ईच सक्सेसिव परचेज अब हर परचेज़ के बाद जो इन्वेंट्री की कॉस्ट बदल देता है वो कौन सा एवरेज इन्वेंट्री का कॉस्टिंग मेथड है वेटेड एवरेज मेथड जितनी बार आप परचेज करोगे उतनी बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उतनी बार कॉस्ट बदल जाएगी देन वी हैव सेल्स रेवेन्यूज आर यूजुअली कंसीडर्ड एंड व्हेन सेल्स कब की जाती है कंसीडर कि भाई सेल हो गई हमने पैसा कमा लिया कब जब एक ऑर्डर रिसीव होता है नहीं ऐसा तो नहीं होता ऑर्डर रिसीव होने पर आप कन्फर्म कर लो कि सेल हो गई तो ये तो बेवकूफ़ी है कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट सेल्स नहीं भैया सेल्स तो हो गई क्रेडिट पर हो गई पर सेल तो हो गई ना तो ऑप्शन ए भी ठीक नहीं है एडजस्टिंग एंट्रीज़ आर मेड ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है भैया एडजस्टमेंटा होता है जब हो सब कुछ बन चुका होता है पीरियडिक ईयर एंड होने वाला होता है उसके बाद हमारे पास है गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्राम द सेलर टू बायर जब सेलर जिसने खरीदा है गुड्स उसको गुड्स ट्रांसफ़र कर दे तो उस पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि हमारी सेल हो चुकी है ठीक है अब उसके बाद अ रिटेल फर्म वुड नॉर्मली यूज एन इन्वेंट्री अकाउंट टाइटल्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बट ऑब रिटेल फर्म की बात करी जा रही है रिटेल फर्म दुकानदार नॉर्मल जो दुकानदार होते हैं तो फिनिश्ड गुड्स तो वो फिनिश्ड गुड वर्ड तो यूज नहीं करेंगे गुड्स इन प्रोसेस बिल्कुल यूज नहीं करेंगे रॉ मटेरियल तो और ही यूज नहीं करेंगे बचता क्या है मर्चेंडाइज दे डेप्रिसिएशन पे आते हैं हाउ डू वी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ एन असेट बाई रिकनाइजिंग दैट इट इज कंज्यूम्ड इन अ वे दैट डज नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेट द रिसोर्स ओके बट ऑबली डेप्रिसिएशन की डेफिनीशन थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच भी आफ द इस्टीमेटेड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएन एन इक्विपमेंट फॉर अ पीरियड इज टू थाउजेंड रुपीज एंड द एडजस्टिंग एंड इट रिकॉर्डिएशन वुड बी आप ध्यान दो एस्टीमेटेड अमाउंट लिखा है कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है ये तुक्का मारा जा रहा है कितना डेप्रिसिएशन होगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा क्यों क्योंकि आप तुक्का मार रहे हैं ठीक है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा और अक्यूमेशन अकाउंट क्रेडिट होगा ठीक एस्टिमेटेड लिखा है इसमें आप गेस कर रहे हैं कि इतना लग सकता है कैलकुलेटेड नहीं है ये विच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली डिफाइंस एमोरटाइजेशन हमेशा याद रखना तीन टर्म्स होती हैं डेप्रिसिएशन डिप्लीशन और एमोटाइजेशन डेप्रिसिएशन हमेशा असट्स का होता है ठीक है प्लांट मशीनरी वगैरह का एमोटाइजेशन हमेशा इनटानजेबल असट्स का होता है जैसे फॉर uh, एग्जांपल हम कह सकते हैं कि में uh, हम क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं लाइक हमारा कॉपीराइट ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह सब हमारा इंटानजेबल असट्स हैं कुछ ऐसे अर्स हैं तो जो दिखते नहीं हैं तो इनका हमेशा अमोर्टाइजेशन होता है ठीक है तो अमोर्टाइजेशन को हम इन ट्जेबल फिक्सड असर्ट्स का डिप्रिसिएशन बोलते हैं ठीक है और लास्ट है डिप्लीशन एक वर्ड यूज़ किया जाता है तीन वर्ड्स बहुत रिलेवेंट है तो डिप्लीशन जब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते करते वो खत्म होने लगते हैं या उनकी एफिशिएंसी कम होने लगती है तो उन्हें हम डिप्लीशन बोलते हैं उसके लिए हम डिप्लीशन वर्ड का यूज़ करते हैं ठीक है तो इन तीनों का अलग अलग रेफरेंस में यूज़ होता है देन वी हैव बुक वैल्यू इज इक्वल टू किसी भी असट की बुक वैल्यू क्या होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमेलेटेड डिप्रिसिएशन अब यहाँ पे कॉस्ट का मतलब ये नहीं कितने में ख़रीदा कॉस्ट का मतलब ये है कि डिप्रिसिएशन लगा लगा के लगा लगा के लगा लगा के एक प्लांट मशीनरी पे कितना खर्चा लग चुका है ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कन्फ्यूज मत होना ना यहाँ पर कॉस्ट का मतलब ये है कि कितना खर्चा लग चुका है और बुक वैल्यू का मतलब कितने में खरीदी थी तो बुक वैल्यू कैसे निकालोगे जितनी कॉस्ट लग गई उसमें से डिप्रिसशन घटा लो बुक वैल्यू आ जाएगी ठीक है अब इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है इस इनके ऑप्शन में इसीलिए मैंने अक्यूमिलेटेड डेप्रिसिएशन को मार्क किया है देन वी हैव वट इज प्रोसेस कॉल्ड वेयर कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ देखा डिप्लीशन सेम जो मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन है ये देन वी हैव डेप्रिसिएशन अराइजेज ड्यू टू फिजिकल वियर एंड टीयर इसमें तो कुछ करना नहीं था अ मशीन दैट कॉस्ट रूपीज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड हैज एक्मेट डेप्रिसिएशन ऑफ फिफ्टी थाउजेंड द बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज अभी तुरंत आपको मैंने फॉर्मुला बताया कॉस्ट माइनस एक्लोमेटेड डेप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन वो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड इज सेवेंटी थाउजेंड वेरी सिम्पल दैन व हैव वॉट इज द प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग द कॉट ऑफ इंटानजेबल असर्ट्स ओवर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ फिर से इन टांजेबल अर्ट्स की बात कर दी गई है तो एमोटाइजेशन उसके बाद बच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अ नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन हमेशा से एक नॉन कैश एक्सपेंस है रीज़न सुन लो क्यों हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं पर उतना पैसा देते तो नहीं है ना प्लांट मशीनरी के नाम पे हम सिर्फ अकाउंट्स में लगाते हैं कि हमारी जो वैल्यू है मशीनरी के प्लांट की वो इतनी घट गई पर क्या हम उतना पैसा देते हैं नहीं ये एक्सपेंस तो है हमारा पर सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए नॉन कैश एक्सपेंस है ये कंप्लीटली ठीक है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एन असेट इज इक्वल टू कॉट माइनस स्क्रैप वैल्यू अभी जस्ट बताया कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएप्रिसिएशन जो स्क्रैप डिप्रिसिए होता है वीयर एंड टर की वैल्यू होती है तो स्क्रैप मतलब भी तो कचरा ही होता है ना जो चीज़ खराब हो चुकी है वो वही तो स्क्रैप होती है ना तो कॉस् माइनस स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे कॉस्ट माइनस अगर डेप्रिसिएशन भी लिखा होता है तो वो भी आंसर आपका सही होता है देन आ ड्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ड्यू टू एज वीअर एंड टीयर डेप्रेसिएशन देन नेक्स्ट वी हैव विच उद फॉलोविंग इंटाइनेबल असर्ट्स इज नॉट एमोरटाइज गुडविल कभी भी एमोरटाइज़ नहीं होती अगर एक बार ही आपकी गुडविल बन गई अच्छी खासी रेपुटेशन बन गई तो या तो वो एकदम ही खराब होगी तहस नहस हो जाएगी लेकिन हर साल कम नहीं होगी एक साल रेपुटेशन बनने के बाद वो आपके काम एफिशिएंसी आपके प्रॉफिट की वजह से हमेशा इंक्रीज करती रहती है इम्प्रूव करती रहती है ठीक है पेटेंट कॉपीराइट फ्रेंचाइजीज ये सब आपकी एमोटाइज हो सकती हैं गुडविल नहीं हो सकता है ठीक है देन वी हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर द दम्पिटेशन और चाहिए होती है रेसिडुअल वैल्यू चाहिए होती है जो बेसिक फॉर्मूला है मतलब अपार्ट फ्रॉम परसेंटेज उसमें कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड लाइफ कितने ईयर्स में है स्क्रैप वैल्यू यह सब लगता है उस फॉमुले में बाकी एक्सपेक्टेड डिस्पोजल रेट ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे तो मैंने तो कहीं सुना भी नहीं है इसको ठीक है किसी भी फॉमुले में द नेक्स्ट वी हैव द सेल ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज़ एट थाउजेंड विद अक्यूबलेटेड डेप्रिएशन ऑफ रुपीज़ सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सेल प्राइस देखो डिप्रिसिएशन कितना लगा कॉस्ट इतनी थी ठीक है सेल 2000 में कर दिया तो बट ऑबियसली भाई सात सौ का प्रॉफिट हो गया हमें सेल पर देखो अब ये भी मत सोचना कि भाई बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे देख रहे हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एग्जैक्ट इतने ऐसे आ रहे हैं कि आपका कॉमन सेंस कितना अच्छा चल रहा है कितना आप कनेक्ट कर पा रहे हो वैसे कर लो आठ वैल्यू थी छः डेप्रिसिएशन लगा दो में आपने बेचा प्रॉफिट आ गया सात का ठीक है देन नाउ वील मूव ऑन टू एक सेकेंड एक सेकंड जस्ट पीरेंड एट थाउजेंड माइनस सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड इज वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड हाँ इट्स फाइन विच ऑफ द फॉलोविंग वुड नॉट बी अ बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट भाई कितने साल सर्विस करिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मूले में लगता है कितनी प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स करी कितने घंटे चला सब इंपॉर्टेंट है बट वेट इंपॉर्टेंट नहीं है कितने किलो के कितने कुंटल की मशीन है इससे उसका डिप्रेसिएशन नहीं पता चल सकता ठीक है देन फर्म्स चार्जेस डिप्रेसिएशन ईच ईयर क्यों चार्ज करती है टू इंश्योर इनफ मनी अरे जाओ वो ऑलरेडी अपने टैक्स बचा रही होती है टू रिड्यूस द प्रॉफिट एंड द रिड्यूस द डिविडेंड अरे ना नाना बिकॉज द लॉ स्टेट्स दे मस्ट बी रिड्यूस्ड ऐसा कुछ भी नहीं है ऑप्शन बी टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ असर्ट्स ओवर इट्स वर्किंग लाइफ जितना खर्चा असेट में लग गया ना वो एक ही साल में दिखाने की बजाय क्योंकि एक साल में दिखा देंगे तो, तो लॉस हो जाएगा ना तो उसको हर साल में फमली बांट के चलती है तो उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ कंसिडरेशन वेन रिकॉर्डिंग पीरियडिक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन प्लांट असेट्स कैश नीडेड टू रिप्लेस द प्लांट असेट अब खुद सोचो उसको रिप्लेस करने की बात कहाँ से आ गई हम लोग तो डिप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो उसकी स्लैवेज वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू उसकी एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स उसकी इनिशियल कॉस्ट कितने में खरीदी गई ये सब इंपॉर्टेंट है ना अब उसमें उस प्लांट को बदलने की रिप्लेसमेंट की बात कहाँ से आ गई तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि ये नॉट का क्वेश्चन है ठीक है लॉस इन वैल्यू ऑफ एन असिट ओइंग टू द फिजिकल डेट्रियोरेशन और ऑप्सिलस सॉरी ऑप्सिलेंस इज कॉल्ड डे बट ऑब्रेसिएशन के डिफरेंट लैंग्वेज में सॉरी डिफरेंट लैंग्वेज में सेम डेफिनेशन देन वी हैव अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएयर नो डेप्रिक्रीज एवी ईयर नो डेप्रिशिएशन कहां डिक्रीज होता है यार रिटर्न डाउन वाली मेथड में ठीक है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएट फॉर एवरी ईयर ये

शेयर्स डिबेंचर्स ये सब नहीं हैं ये सब होते तो मुझे कितना पढ़ाना पड़ता मैं इमेजन भी नहीं कर सकती ठीक है एंड हाँ वन थिंग मॉर कुछ लोगों का शिकायत भी होगी कि मैंने अकाउंट्स uh, के वीडियोस नहीं डाले तो पहली चीज़ तो ये कि मैं स्टार्टिंग में इतनी बिजी थी अब जब मुझे टाइम मिला है तो बट ऑबली बहुत ही कम टाइम मिला है एंड जो मेन बेसिक रीज़न है वो सुन लो टू बी वेरी ऑनेस्ट अकाउंट्स में मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है ऑल दो आई टीच हाँ ठीक है पढ़ती हूँ पढ़ाती हूँ एवरी थिंग एवरी थिंग इज़ ओके पढ़ा भी है बट द फैक्ट कि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता कम टाइम में उस चीज़ को करना और ज़्यादा मुश्किल लगता है इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट एम पढ़ा रही हूँ बट अगर आपको अकाउंट्स के एम के अलावा लाइक like थ्योरी या फिर फॉर्मूले वगैरह ऐसा कुछ पढ़ना है तो मैं आपको आई बटन में एक चैनल का लिंक दे रही हूँ उसको आप प्लीज़ एक बारी जाके देखो वो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं लिटरली वो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं उनकी अकाउंट्स में बहुत अच्छी खासी एक्सपर्टीज़ है ठीक है बाकी अभी हम कंटिन्यू करते हैं एज़ पर सेक्शन टू फोर्टी ऑफ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स सारी चीज़ें बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट नोट्स टू अकाउंट्स कैश फ्लो ये सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करता है ठीक है ऑल ऑफ दिस देन वी हैव अ स्टेटमेंट ऑफ अ सेट लाइबिलिटी एंड इक्विटीज ऑफ अ बिजनेस एंड इट्स इट इज प्रिपेयर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन जब भी वर्ड यूज हो जाए फाइनेंशियल पोजिशन मतलब वो बैलेंस शीट है दैट इज इट और कुछ देखना ही नहीं है ऑप्शन में आ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू शो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज जब स्टेटमेंट की बात हो जाए तो स्टेटमेंट सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का होता है ठीक है और भी बहुत से स्टेटमेंट होते हैं बट जब बात की जाए कि बिजनेस ऑपरेशन लाइक डे टू तो डे एक्टिविटीज़ ऑपरेशन एक्टिविटीज़ क्या थी उसको किस में शो किया जाता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है इनकम स्टेटमेंट भी होता है वो कॉपरेटिव सेक्टर में नहीं और कंपनीज़ में होता है ठीक है देन अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कंपनी इज़ प्रिपेयर्ड ध्यान रखना जब कंपनीज़ कॉपरेट अकाउंटिंग की बात की जाए तो पार्ट टू शेड्यूल थ्री पार्ट टू शेड्यूल थ्री हर जगह यही चलेगा पार्ट टू शेड्यूल थ्री ठीक है इसका आंसर भी वही हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो भी सेम आंसर का है बैलेंस शीट भी कैसे प्रिपेयर होती है पार्ट टू शेड्यूल थ्री के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रिजर्व और सरप्लस का सबहेक्ट मतलब रिजर्व और सरप्लस के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं अब देखो जिसको ये टर्म्स नहीं पता जिसको इनका कंसेप्ट नहीं पता वो प्लीज पैनिक मत करो लास्ट डे में कुछ आप ऐसा नहीं पढ़ पाओगे या पढ़ के क्लियर नहीं कर पाओगे क्योंकि आई थिंक गैपिंग है ही नहीं एग्जाम में एंड सेकेंडली कि बहुत ज़्यादा वास्ट कोर्स है तो अब ध्यान से देखो कि मैं कैसे एलिमिनेट करती हूँ इसमें लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में अब ऑप्शन देखो ऐसा कोई भी ऑप्शन दिख रहा है जिसमें रिजर्व ना लिखा हो सारे ऑप्शन में रिजर्व वर्ड यूज़ किया गया मतलब ऑल ऑफ दिस ठीक है अगर ऑप्शंस ऐसे होते जिनमें रिजर्व वर्ड ना यूज़ किया गया होता तो जिसमें किया गया होता आप उस पर टिक करते तो एलिमिनेट करो कॉमन सेंस यूज़ करो ठीक है तो का मारना तो वो लक की बात हो गई बट वेन यू एलिमिनेट वहाँ पे नाइन्टी परसेंट चांसेज ज़्यादा होते हैं चीज़ों के सही होने के ठीक है विच ऑफ द फॉलोविंग इज़ नॉट इंक्लूडेड देखो आप इसमें ग्रामेटिकल एरर्स बिल्कुल छोड़ दो इसके क्वेश्चन अच्छे थे तो मैंने ये साइड से उठा लिए एरर्स तो इतने हैं कि पूछे है, मत ग्रामेटिकल एरर्स ठीक है विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या नहीं इंक्लूड करते हैं डिबेंचर लॉन्ग टर्म होता है इतना तो बहुत लॉजिकल चीज़ है डिबेंचर हमेशा ही लॉन्ग टर्म होता है बॉन्ड भी लॉन्ग टर्म होता है तीसरे में लिखा ही है मॉर्टेज लोन तो जो गिरवी रख के जो लोन लोगे वो तो ऑब्वियसली बहुत लॉन्ग टर्म होगा है ना तो बचता है क्या हुआ लास्ट ऑप्शन इंटरेस्ट अक्रूड और अक्रूड का मतलब अर्न होता है तो जो चीज़ अर्न की गई वो तो बट ऑब्वियसली बोरोइंग हो ही नहीं सकती वो तो हमारा एक तरीके से असट हो गया ठीक है बिच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट इंक्लूडेड इन शॉर्ट टर्म प्रोविजन अब देखो इसमें लिखा है कि नॉट इंक्लूडेड बट इस क्वेश्चन का जो आंसर है या जो क्वेश्चन के ऑप्शन हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होना चाहिए कि इज़ इंक्लूडेड क्योंकि बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं प्रोविजन फॉर टैक्स एम्प्लॉ बेनिफिट और डाउटफुल डेफ्ट ये सब लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स ही हैं तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक है जो कि बिल्स पेबल हैं हमें साल भर के अंदर बिल को पे करना होता है तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन होते हैं ठीक है बाकी जो भी तीनों लिखे हैं टैक्स बेनिफिट ब्राउडफुल टैक्स ये सब लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं ठीक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टैंजेबल फिक्स्ड एसेट टेबल फिक्स्ड एसेट प्लांट लैंड मशीनरी बिल्डिंग कंप्यूटर सिस्टम ये सब ट्जेबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं कौन से इसमें टांजेबल फिक्स नहीं है लाइक रेसिपीज़ फार्मूला मॉडल डिज़ाइन कोई आर्किटेक्ट है उसका मॉडल उसकी डिजाइनिंग कोई शेफ़ है उसकी रेसिपीज कोई रेस्टोरेंट है उसकी कोई बहुत फेमस जैसे उसकी रेसिपी ये सब क्या होती है इन टांजेबल असट्स होती हैं इनका पेटेंट और कॉपीराइट बनता है लेकिन बाकी जो लिखा है वहीकल मशीनरी लाइफ स्टॉक लैंड बिल्डिंग ये सब कुछ क्या है टांजेबल फिक्स असेट है इसलिए लास्ट ऑप्शन ई करेक्ट है बिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इन ट्जेबल फिक्स गुड विल

करंट असेट्स कुछ होते हैं लाइक कैश ऑन हैंड हो गया जो मतलब जिनकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिनको हम कैश में तुरंत तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं वो करंट एसेट होते हैं उनके अलावा भी बहुत से सेट्स होते हैं तो वो अदर करंट असेट्स में गिने जाते हैं ठीक है अब आ, इसमें खुद देखो कि अद कैश इन हैंड सबसे ज़्यादा एप्सल्यूट करंट असेट है वो पहले से ही कैश में है तो वो अदर करंट एसेट्स में गिना ही नहीं जाएगा ना आप यहाँ पे नोटिस करो अदर वर्ड दिया गया है तो प्रीपेड एक्सपेंस ये भी हमारा एसेट है लेकिन दूसरे तरीके का है प्रीपेड एक्सपेंस हमने कर दिया पर सर्विस अभी मिली नहीं है तो ये करंट असेट तो है लेकिन दूसरे तरीकों का इसलिए वहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है नॉट इंक्लूडेड इन अदर करंट असेट तो कैश इन हैंड एग्जैक्ट अपसल्यूट करंट असेट है उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन करंट असेट करंट असेट में क्या क्या इंक्लूड होता है अब देखो करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश ये सब कुछ करंट में इंक्लूड होता है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है लूज टूल इन्वेंट्रीज़ ठीक है ये भी पेयर करेक्ट है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय के बेनिफिट लॉन्ग टर्म प्रोविजन अभी मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय बेनिफिट का प्रोविजन लॉन्ग टर्म होता है ये भी करेक्ट है अनपेड डेविडेंट अदर करंट लाइबिलिटी जो चीज़ पे नहीं की है वो तो लाइवलिटी ही होगी तो ये भी करेक्ट है डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल ठीक है डेटर्स से हमें पैसा मिलना होता है ठीक है अब बिल्स पेबल ट्रेड रिसीवेबल बिल्कुल भी गलत बिल्कुल भी सही नहीं है ये एकदम ही गलत है बिल्स पेबल और ट्रेड रिसीवेबल दोनों एकदम अपोजिट है ये पेयर तो बना ही नहीं रहे ठीक है बिच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट शोन एज द करंट लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना ये याद कर लो थोड़ी बहुत चीज़ें क्योंकि इस कॉरपोरेट अकाउंटिंग वाले टॉपिक में याद करने वाली हैं आपको को इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा आप लिख के ले लीजिए जो आएगा वो यही सब आएगा कि क्या कहाँ आता है करंट लाइबिलिटी क्या है करंट असेट क्या है ठीक है तो करंट लाइबिलिटी और करंट असेट में हम डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज और डिफर्ड टैक्स असेट्स बिल्कुल भी काउंट नहीं करते हैं शो नहीं करते हैं जब बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो ठीक तो, है तो ये क्वेश्चन फोर्टीन और क्वेश्चन फिफ्टीन में सेम चीजें लिखी हैं करंट असेट और करंट लाइबिलिटी में डेफर्ड टैक्स असेट और लाइबिलिटीज को हम काउंट नहीं करते हैं देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व सबसे पहले क्वेश्चन मैंने बताया था आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व रिजर्व ये क्या है रिजर्व और सरप्लस है देखो कोई चीज़ रिजर्व हमारे पास पहले से है प्रीमियम रिजर्व खुद देखो तो लाइबिलिटी तो वो हो ही नहीं सकती तो चाहे करंट चाहे नॉन करंट दोनों ऑप्शन हट गए शेयर कैपिटल तो होगा ही नहीं ऑप्शन नंबर डी भी हट गया तो अगर आपको नहीं भी याद है तो एलिमिनेट करके आप ऑप्शन ए को टिक कर देंगे ठीक है दिए हुए एफ तक दिया हुआ है टू मेजर ऑफ ओ दाई गॉड जस्ट लीव जस्ट सी प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग कैपेसिटी मेजर करना ओके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मेजर करना येस मैनेजमेंट की एफिशेंसी जज करना येस यूजफुल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना येस yes. पेमेंट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड की कैपेसिटी को जज करना यस yes. तो ये सारे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनालस के ऑब्जेक्टिव्स या फिर पर्पस हैं ठीक है थीके? उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज़ इंक्लूड अदर करंट लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पे अदर करंट लाइबिलिटीज़ लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं क्रेडिटर्स हो गए ठीक है बैंक ओवर ड्राफ्ट हो गया ये सब करंट लाइबिलिटीज़ थी इसके अलावा भी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो साल भर में ही चुकानी होती हैं पर मतलब इतनी प्रायोरिटी पर नहीं होती हैं अनपेड डेविडेंट इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंगस कॉल्स इन एडवांस ठीक है आउट स्टैंड आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसिस पहले हम ये बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर करेंगे या फिर आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेज पहले बैंक ओवर ड्राफ्ट क्लियर करेंगे ना तो जो उनका प्रायोरिटी वाइज उनकी लिस्ट जो होती है उसके अकॉर्डिंग करंट और अदर करेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं ठीक है थीके? होती सारी लाइबिलिटीज़ ही हैं इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन अदर करंट असेट्स इंक्लूड अदर करंट असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसिस बट ऑब्वियसली अक्रूड इनकम्स एडवांस टैक्स हाँ सी सब कुछ ऑल ऑफ दिस ठीक है उसके बाद आइटम्स दैट इज नॉट आइटम दैट आर नॉट इंक्लूडेड अंडर इन्वेंट्री रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होता है यस वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होता है यस स्टोर्स स्पेयर्स लूज टूल्स इन्वेंट्री होते हैं येस ट्रेड रिसिवेबल्स इन्वेंट्री किस एंगल से हो सकते हैं यार वो तो हमें रिसीव करने हैं ना विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी शोन अंडर हैड ऑफ करेंट लाइबिलिटीज एंड सब हेड ऑफ़ अदर करंट लाइबिलिटीज़ ओके करंट लाइबिलिटीज़ और अदर करेंट लाइबिलिटीज़ में से इन में से कौन सा उप, कौन सा जो है ऑप्शन है जो शो नहीं किया जाएगा कैश क्रेडिट अनक्लेम्ब डेविडेंट कॉल्स एंड एडवांस ये सब ऑलरेडी लाइबिलिटीज़ हैं इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट बट नॉट ड्यू ऑन डे बचर्स ये तो ऑबियसली ये सब सारी की लाइबिलिटीज असर ऐसे कुछ बट कैश क्रेडिट जो है वो ना ही हम करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर शो करेंगे और ना ही अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर शो करेंगे ठीक है क्योंकि इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट किसी भी हेडिंग के अंदर ठीक है उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी शोन अंडर हेड ऑफ करंट असट्स एंड सब हेड ऑफ अदर करंट असट्स अब देखो अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार ये क्या है वगैरह वगैरह कि कितना टफ लग रहा है ये वो तो ठीक है अगर आपको लग रहा है कि आप एम सी क्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे या आपसे नहीं हो पाएगा तो आप किसी बिल्कुल परेशान मत होइए आपको बस सिंपल से एक चीज़ करनी है बुक होगी तो बुक खोलनी है अगर या तो फिर गूगल पे जाना है और वहाँ पे लिखना है कि फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स या फिर कंपनी के फाइनल अकाउंट्स आपको इतना लिखना है और वहाँ पे जो फॉर्मेट आएगा उसमें आपको एक एक चीज़ लिखी होगी कि रिजर्व सरप्लस के अंदर क्या आता है करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या आता है करंट स्टॉक्स के अंदर करंट असेट्स के अंदर अब वहां से वो रट लो कोई भी क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा आपका एक टॉपिक खत्म क्योंकि इस टॉपिक से सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप देखो सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही भरे हुए हैं आई थिंक इसमें तीस क्वेश्चन हैं और तीसों में ऐसे ही ऐसे हैं शायद ये देखो सारे ही ऐसे हैं सो आप बस उस फॉर्मेट को जाके गूगल आउट करो उसको खोलो एंड देन इट्स वेरी सिंपल बस आपको उसे रट लेना है अगर आपको ये टॉपिक कवर करके एग्जाम में जाना है तो ओके सो सुनाओ हम सेकेंड टॉपिक पे मूव करेंगे जो कि हमारा है क्वेश्चन की बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग मार्केटिंग ओरिएंटेड अकाउंटिंग अकाउंटिंग मैनेजर बट ऑब्वियसली भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग है हम मैनेजमेंट की एफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं नेक्स्ट द क्वेश्चन विच वी हैव इज डैश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट फाइनेंशियनफॉर्मेशन अकाउंटिंग बिजनेस की वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं मार्केटिंग प्रॉफिट प्राइजिंग यह सब तो नहीं है देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर थेरिटिकल टॉपिक है तो इसमें बहुत कुछ टफ नहीं है द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉज फर्स्ट पॉइंट इन नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना ठीक है नाइनटीन फिफ्टी में प्वाइंट की गई थी ये याद रखना देन विच इज द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग का सब फील्ड क्या है सारे ही हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये तीनों ही अकाउंटिंग के सब फील्ड्स हैं तीनों ही हमने पढ़ लिए फाइनेंशियल कॉस्ट लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था मैनेजमेंट इसमें पढ़ ली ऑल ऑफ दी अबब ठीक है उसके बाद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टू में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं ये तो नहीं है टू नो द अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर एंड सप्लाई अरे ये जो अकाउंटेंट का काम हो गया ना टू असरटेन एनालाइज एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑपरेशन एग्जैक्टली हमें मैनेज करना है तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हैं कंपनी में उनको देख के हमें उन्हें असरटेन करना एनालाइज करना उनके रिजल्ट और हमारे जो ऑपरेशन है उनका जो भी रिजल्ट चल रहा है उसको इंटरप्रेट करना है ठीक है तो आंसर सी देन वी हैव डाश इज द स्टडी ऑफ मैनेजेंटल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेशल अकाउंटिंग के मैनेजर्स आस्पेक्ट्स की स्टडी को मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं बट ऑबियसली देन वी हैव द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू हेल्प डैश मेक डिसीजनस मैनेजर्स डिसीजन लेंगे तो बट ऑबली मैनेजर्स को हेल्प करना इज द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैन वी हैव मैनेजरल अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन इज जनरली प्रिपेयर फॉर जनरली प्रिपेयर फॉर होम बट ऑबली मैनेजर्स मैनेजर्स के लिए प्रिपेयर की जाती है हाँ स्टेक होल्डर्स भी वो चीज़ देखते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज भी कभी कभार मांगती हैं कम्प्यूटूटर्स भी देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं बट जो मोस्ट सीटेबल ऑप्शन है वो मैनेजर्स है ठीक है देन वी हैव डैश शोज हाउ द अकाउंटिंग फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड सो एज़ टू फिट इन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी अब मैनेजमेंट एक्टिविटी की फ्रेमवर्क में फिट इन करने के लिए वो कौन सी एक्टिविटी है डैश शोज हाउ अकाउंटिंग फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड सो एज टू फिट इन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी तो मैनेजमेंट एक्टिविटी के फ्रेमवर्क में फिट इन करने के लिए वो कौन सी एक्टिविटी है uh, वो कौन सा अकाउंटिंग फंक्शन है दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक है बेसिक सारे आंसर सेम ही सेम है क्योंकि थियोरिटिकल है बहुत सिंपल आई थिंक ये टॉपिक द प्राइमरी टास्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज देयर फोर to redesign the entire accounting system so that it may serve the dash needs of the firm but obviously jo operational needs hai ki like hame achhi productivity chahiye achhi efficiency chahiye large scale profit chahiye sales badhani hai ye sab kuch operational needs hai to तो inko redesign करना पूरे accounting system को ताकि ये और better हो सके ये management accounting ये काम को serve करती है then उसके बाद next हमारे पास द नेक्स्ट क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड इफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट सो दैट प्लानिंग ऑर्गनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशन कैन भी डन इन एन ऑर्डरली मैनर तो देखो इसमें आ, वैसे तो ये इसमें गलती ये हो गई है कि सो दैट उसके बाद डैश होना चाहिए था और ऑफ बिजनेस ऑपरेशन कैन भी डन ताकि आप ऑर्डर बता सकें कि ऑर्डर है प्लानिंग ऑर्गनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ठीक है तो ऑर्डर ये है तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है वहाँ पे डैश जहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है चारों चीज़ें वहाँ पे डैश होना चाहिए था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बच भी हा विच विच इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करना अकाउंटिंग इन्फॉमेशन प्रोवाइड करना बिल्कुल नहीं कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस हो सकता है तो इसमें ऑप्शन ए और सी करेक्ट है ठीक है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है ये ठीक है तो ऑप्शन ए और सी इसमें करेक्ट है तो इग्नोर करो ये आंसर ऑल ऑफ दी अब ठीक है जैसे जिस हिसाब से एग्जाम में आएगा आप उन हिसाब से आंसर करना मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ठीक है देन वी हैव मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट दी मैनेजमेंट इन प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ऑब्वियसली तीनों में असिस्ट करती है देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मेनली एप्लीकेबल टू डैश एंटिटीज मेनली एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ऑब्वियसली मैनुफैक्चरिंग एंड सर्विस हाँ नॉन प्रॉफिट में मेनली एप्लीकेबल नहीं इसलिए जो आंसर लिखा है ऑल ऑफ द अबब उसको इग्नोर करो अगर आपको दिया होता कि ऑप्शन बी एंड सी तो वही आपका सही आंसर होता बट अगर आपको ऐसा नहीं दिया है तो आपको ऑल ऑफ़ दी अबब करना ही सही है क्योंकि सर्विस और मैनुफैक्चरिंग दोनों में ये यूज होता ही होता है उसके बाद द स्को ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स बजटिंग एंड फोरकास्टिंग इंटरनल ऑडिट एंड टैक्स अकाउंटिंग फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल ऑफ द अबब बट ऑबली इस हर चीज़ में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप है बजटिंग कैसे करनी है फोकास्टिंग क्या करनी है ऑडिटिंग कैसे करनी है टैक्स अकाउंटिंग क्या हो रही है फाइनेंशियल कॉस्ट सब कुछ क्या है इन सब में स्कोप है ठीक है आप इन सब के थ्रू ही मैनेज करेंगे और इन सबको ही मैनेज करेंगे फिर हमारे पास है ऑरिजन ऑफ द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग गोज बैक टू ईयर नाइनटीन सेम क्वेश्चन विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रामेटिकल फॉर्म ग्रामा उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है द ओरिजिन ऑफ द टाइम मैनेजमेंट अकाउंटिंग गोज बैक टू द ईयर नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेम क्वेश्चन है बस डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ की गई है देन विच इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओनली अ टूल पर्सनल प्रेजराइज एंड बायस इवेलुएशन एंड कंट्रोल ऑफ परफॉर्मेंस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस अब देखो इवैलुएशन एंड कंट्रोल ऑफ परफॉर्मेंस इसकी लिमिटेशन नहीं इसका एडवांटेज है बाकी चीज़ें तो ठीक है भाई पर्सनली पर्सनल बायसनेस हो सकती है जो इंसान मैनेजमेंट देख रहा है अगर मान लो कोई जानकार है उसका जो अकाउंटेंट है कोई जानने वाला है तो उसकी गलतियाँ वो छिपा सकता है ठीक है ये सिर्फ़ एक टूल है और कोई मतलब बस ये मैनेजमेंट का एक एक है कि बस हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक टूल है कि हम इसके थ्रू इसके हेल्प के थ्रू आगे चीज़ें मैनेज अच्छी कर सकते हैं बट ये कोई बहुत सा हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल या साइंटिफिक कोई सब्जेक्ट नहीं है पर्टिकुलर ठीक है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बिल्कुल होती है भाई अगर आप किसी को फेवर कर रहे हो बायसनेस है सब कुछ है तो वो साइकोलॉजिकल लेवल पर ही होती है ठीक है तो ये सारी लिमिटेशन है ऑप्शन सी को छोड़ के फिर विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगेन द सेम थिंग इकोनॉमिकल अप्रेजल हेल्थ एंड डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल बायस फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बट ऑब्वियसली एडवांटेज क्या नहीं है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल बायस एडवांटेज नहीं है बाकी सारे एडवांटेज हैं उसके बाद है गुडविल इज वन ऑफ दी इंटेंजेबल एसेट्स देन वी हैव कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स एच ब्लिस कीप दिस इन माइंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1950 में ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था और इस कंसेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था जेम्स एच ब्लिस ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज बजट एंड बजटरी कंट्रोल इसमें भी कुछ एमसीज में पढ़ा रही हूँ पहला है अब बजट इज अ प्लान ऑफ एक्शन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म नॉन फाइनेंशियल टर्म या फिर बोथ सब्जेक्टिव तो नहीं है खैर पहली बात तो जो बजट बनता है वो कैसे बनता है क्या मैं इस काम के लिए इतना पैसा खर्च करना है ठीक है तो फाइनेंशियल भी हो गया और नॉन फाइनेंशियल भी हो गया इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट बोथ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज बजट इज़ प्रिपेयर फॉर अ बट ऑब्वियसली बजट एक डेफिनेट पीरियड के लिए होता है कि इस दिन से लेके इस दिन तक या फिर इस महीने या फिर इस साल ठीक है पीरियड ऑफ वन ईयर सिक्स मंथ ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है ठीक है एक महीने का भी हो सकता है बजट और पाँच साल का भी बजट हो सकता है ठीक है डेफिनेट पीरियड ज़रूर होता है पर हाँ ये है कि फिक्सेशन नहीं होती उस पीरियड की ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बजट इज अ टूल विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ वॉट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ या फिर परचेज एक्टिविटीज़ बजट देखो प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ हमें कितने ऑफिस में कितने क्या बोलते हैं पियोन लगाने हैं और कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है हर एक चीज हम बजट के अंडर कवर करते हैं कि हमें कितनी सैलरी पी की रखनी है कितनी यूनिट्स का कैसे प्रोड्यूस करनी है तो इसलिए ऑल बिजनेस एक्टिविटीज इज द राइट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक्ट एज अ फ्रेंड फिलासफर एंड गाइड टू दी बट ऑबियसली मैनेजमेंट बजटरी कंट्रोल सिस्टम सारी बिजनेस एक्टिविटीज को अपने अंदर कंसिस्ट करता है उनको देखता है उनके क्या फाइनेंशियल वैल्यूज क्या आटर्म्स होनी चाहिए सब कुछ डिसाइड करता है तो मैनेजमेंट के लिए क्या हो गया फ्रेंड फिलोसफर और गाइड तीनों देन द नेक्स क्वेश्चन हैव बजटरी कंट्रोल सिस्टम डिफाइन्स दबजेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस मार्केटिंग ऑब्वियसली सारी बिजनेस एक्टिविटीज मतलब सारे डिपार्टमेंट्स तो आंसर है ऑल ऑप्शन डी देन बजटरी कंट्रोल फैसिलिटेट ईजी इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग रेशियो एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सब्जेक्टिव मैटर बट ऑबियसली जो बजटरी कंट्रोल है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की ईजी फैसिलिटेशन करता है क्योंकि क्योंकि बजटरी कंट्रोल अब लाइक हमने हम मान लेते हैं कि हम बजट बना रहे हैं कि जो प्योन होंगे या फिर जो भी वर्कर होंगे स्वीपर होंगे इन सबकी टोटल सैलरी एक साल में हम जो खर्चा करेंगे वो दो लाख रुपए करेंगे तो ये क्या है ये एक स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्टिंग इतना होगा अब किसको कितना देना है किसको हायर करना है कितने टाइम के लिए क्या करना ये सब उसके अंदर के बहुत डिटेल्ड पार्ट हो गए तो एक स्टैंडर्ड लेवल पे चीज़ें सेट की जाती हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट एक सेट की जाती है, है बजट में इसीलिए बजट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की इजी फैसिलिटेशन को इजी फैसिलिटेशन को इंट्रोड्यूस करता है ठीक नेक्स्ट विच वी हैव इज बजटरी कंट्रोल हेल्प्स दी मैनेजमेंट इन किस चीज़ में हेल्प करता है ऑप्टेनिंग बैंक क्रेडिट इशू ऑफ शेयर गेटिंग ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट देखो बेसिकली जो बजटरी हम जो बजट बनाते हैं वो हर चीज़ में हेल्प करता है पर जब हम उस हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तो बैंक क्रेडिट मिलना बहुत ईजी हो जाता है ठीक है क्यों क्योंकि बैंक ये देखती है क्या मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है आपका प्रॉफिट का जो आ, कर्व है वो कितना ऊपर और कितनी कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बजटरी कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स दी मैनेजमेंट टू एलिमिनेट क्या एलिमिनेट करने में हेल्प करती है अंडर कैपिटलाइजेशन ओवर कैपिटलाइजेशन एग्जैक्टली चाहे आप अंडर कैपिटलाइज्ड हैं चाहे आप ओवर कैपिटलाइज्ड हैं और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं दोनों ही चीज़ों को एक इक्वलीबेरियम के स्टेट में लाने में बजट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बजटरी कंट्रोल प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर बेसिस फॉर वॉट रेमरेशन प्लान भाई आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग कितना प्रोड्यूस करना है कितना प्रोड्यूस करना है उसके लिए कितने लेबर चाहिए क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप रेमिनरे मतलब कितना खर्चा किस चीज़ में करना है कितनी सैलरी उसको देनी है वो डिसाइड करोगे है ना बोनस के शेयर्स राइट के शेयर्स ये सब तो तब डिसाइड होते हैं जब आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके हिसाब से है ना तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है रेमोरेन प्लान्स तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है देन वी हैव बजटरी कंट्रोल हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस अ अबल इंसेंटिव एंड रेमनोरेशन बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन वॉट इन्फ्लेशनरी कंडीशन या फिर चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर बोथ या फिर नान अब देखो यहाँ पे बोथ हो सकता है लेकिन यहाँ पे ये बात की गई है कि इंसेंटिव्स और रेमोरेशन किस बेस पे बजटरी कंट्रोल हमें हम इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है तो वो इन्फ्लेशनरी कंडीशन है क्योंकि कितनी महँगाई चल रही है उसके अकॉर्डिंग अपना बजट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम रेमोरेशन इंसेंटिव सैलरीज हम डिसाइड करते हैं ठीक है देन द नेक्स्ट विच वी हैव इज द सक्सेज ऑफ बजटरी कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन दिलिंग कॉपोरेशन ऑफ विलिंग कॉपरेशन ऑफ होम ऑल फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट हो ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट हो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट हो कुछ भी हो सब के अगर सब विलिंग है कॉपरेट करने के लिए तो ही जो बजट बनाया गया है वो लागू होगा और जब लागू होगा तो ही एफिशेंसी आएगी ठीक है नेक्स्ट इस रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इस एक्चुअल परफॉर्मेंस के रिकॉर्डिंग को क्या कहते हैं एक स्टेप कहते हैं बजटरी कंट्रोल में ठीक है जब हम बजटरी बजट हमारा बनाएंगे अगर वो एक्सीड कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ मेजर्स लेते हैं है ना तो बट ऑब्वियसली उस मेजर का एक स्टेप है एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना है, कि हमने जो सोचा था उसकी कंपैरिजन में एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई कितना खर्चा क्या कैसे लगा ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन बिच वी हैव इज रिविज़न ऑफ़ बजट इज़ ऑब्वियसली वेरी 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 नेसेसरी ठीक है कहाँ ज़्यादा खर्च हुआ कहाँ कम खर्च हुआ क्या कैसे क्योंकि बात पैसे की है और पैसे में रिविजन दोबारा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है देन फ्रीकुंट रिविजन्स ऑफ बजट विल बट ऑब्वियसली अगर आप एक चीज़ को बार बार एनालाइज़ करेंगे बार बार तो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकलती जाएगी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा तो ये बजट को बिल्कुल ही अनरिलाइबल बनाता है क्यों क्योंकि जब आप बार बार देखेंगे बार बार एनालाइज बार बार, बार चेंजेस करेंगे तो बट ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होगा और आपका कॉन्फिडेंस उस बजट से हटने लगेगा तो बजट की रिलायबिलिटी अफेक्ट होगी इस चीज़ से ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ओके वे डज इट कॉन हाँ यूजअली द प्रोडक्शन बजट इज स्टार्टेड स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड क्वान्टिटी बोथ कि हमें इतने लोगों को हायर करना है या फिर इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है और इतने रुपये में करनी है ठीक है तो बोथ देन बजट ओके सॉरी बजट पीरियड इज़ द डैश पीरियड ऑफ बजट कमेटी पीरियड ऑफ बजट सेंटर पीरियड फॉर बज बजट इज प्रिपेयर्ड पीरियड ऑफ बजट ऑफ भाई देखो बजट पीरियड चाहे एक साल पाँच साल जो भी है वो पीरियड है जिसमें बजट जिसके लिए बजट प्रिपेयर किया गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कहाँ गायब हो गया हाँ बजट पीरियड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बजट नेचर ऑफ बिजनेस लेंथ ऑफ ट्रेड साइकिल ऑल ऑल ऑफ ऑफ दिस दिस बट ऑब्वियसली आप किस ट्रेड में हैं वो भी मैटर करता है लॉन्ग रन ट्रेड में शॉर्ट रन ट्रेड में आपके बिजनेस का नेचर क्या है सीजनल प्रोडक्शन करते हैं आप या फिर ऑल वेदर प्रोडक्शन करते हैं आपके बजट का टाइप क्या है मतलब फंक्शनल बजट बना रहे हैं आप या फिर आप कैपिटल बजट बना रहे हैं जो भी कुछ आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं बजट पीरियड के लिए प्लांट यूटिलाइजेशन बजट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट्स आर टाइप ऑफ ये कौन सी टाइप के बजट है प्रोडक्शन क्यों क्योंकि प्लांट कैसे यूटिलाइज़ होगा क्या मैन्युफैक्चर होगा कितने ओवरहेड्स होंगे ये सब क्या प्रोडक्शन के एक्टिविटीज़ हैं फिर उसके बाद है आप बजटिंग प्रोसेस कुछ डिमांड्स मैनेजर टू जस्टिफाई हिज एंटायर बजट इन डिटेल फ्रॉम बिगनिंग इज ये कौन सा बजटिंग प्रोसेस है जीरो बेस बजटिंग क्यों क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जस्टिफाई हिज एंटायर बजट इन डिटेल फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम बिगनिंग यूज कर दिया गया मतलब क्या जीरो बेस शुरुआत से शुरू करो है ना तो ये हमारा हो गया देन नेक्स्ट क्वेश्चन बजटरी कंट्रोल सिस्टम फैसिलिटेट सेंट्रलाइज कंट्रोल विथ सेंट्रलाइज एक्टिविटी डिसेंट्रलाइज एक्टिविटी बोथ क्यों क्योंकि देखो चाहे एक्टिविटी सेंट्रलाइज्ड हो टॉप मैनेजमेंट की हो चाहे एक्टिविटी डिसेंट्रलाइज्ड हो टॉप लोअर मिडल हर मैनेजमेंट में बटी हुई हो सबको कंट्रोल करने का एक फैसिलिटेशन या एक हेल्प बजटरी कंट्रोल हमें करता है ठीक है हमें इन की मैनेजमेंट को करता है फिर हमारे पास है आर एंड डी बजट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट आर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है आर एंड डी और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती है मतलब ये लॉन्ग टर्म बजट का एग्जाम्पल है फिर स्केर फैक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज स्केर फैक्टर क्या है एक की फैक्टर है क्यों क्योंकि क्या चीज़ स्कार्स है और क्या क्या चीज़ बहुत अबंडेंस में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन बजट को बनाने में या प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ठीक है उसके बाद ओके सो इट वाज इज फ्रॉम दिस टॉपिक नाउ वी टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ओके द लेबर इंगेज इन द मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज डायरेक्ट लेबर क्यों क्योंकि जो प्रोडक्ट बना रहा है वो डायरेक्टली उस प्रोडक्शन से या फिर उस प्रोडक्ट से कनेक्टेड है उसके थ्रू ही वो प्रोडक्ट बन रहा है कहीं आ जा रहा सप्लाई हो रहा नहीं तो वो डायरेक्ट लेबर है ठीक है इसमें लिखा भले कि नो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इफ़ लेबर टाइम इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिमम एफिशिएंसी द यूनिट कॉस्ट विल बी तो यूनिट कॉस्ट क्या होगी हायर लोअर इक्वल या नन ऑफ द अबव मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर लेबर टाइम जो लेबर टाइम है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे बेस्ड है मतलब जितना उसकी औकात है उतना वो कर रहा है तो यूनिट कॉस्ट क्या होगी बट ऑब्वियसली लोअर होगी क्योंकि अगर कोई भी लेबर आप इसको आंसर को इग्नोर करिए इक्वल लिखा है बट दैट इज नॉट द आंसर अगर कोई भी लेबर अपनी मैक्सिमम मैक्सिमम एफिशिएंसी लगा के काम कर रहा है तो बट ऑब्वियसली जो यूनिट कॉस्ट हमें पड़ेगी वो कम ही पड़ेगी ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी यूज फॉर कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल के लिए बेसिक और नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि हमें कॉस्ट कंट्रोल के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प हर चीज़ चाहिए होती है तो हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए हम रेलेवेंट कॉस्टिंग वगैरह यूज करते हैं ठीक है तो इसलिए बेसिक और बेसिक और नॉर्मल स्टैंडर्ड्स ये सब हम यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वैन स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूज द अमाउंट ऑफ डिटेल्ड रिकॉर्ड कीपिंग विल नॉर्मली जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज़ करते हैं बट ऑबियसली है जो डिटेल्ड रिकॉर्डिंग प्रोसीजर है कि ये अकाउंट ये पर्टिकुलर यूनिट का वगैरह वगैरह जब कॉस्ट हमने स्टैंडर्ड यूज़ कर ली कि इतने प्रोडक्शन के लिए हमें इतने पैसे खर्च करने हैं तो वो हमने क्या कर लिया सम टोटल यूज़ कर लिया अप्रॉक्सीमेशन तो ऑबियसली बात है जो डिटेल्ड रिकॉर्डिंग होगी वो रिड्यूज़ ही होगी तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है द नेक्स्ट क्वेश्चन विच बी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड लेबर टाइम स्टैंडर्ड लेबर टाइम के लिए कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है टाइम इंडिकेट्स द टाइम इन आवर्स लीडेड फॉर आर स्पेसिफाइड प्रोसेस इट इज अ स्टैंडर्डाइज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस विद नो जजमेंट इन फिक्सिंग स्टैंडर्ड टाइम डू अलावेंस शूड नॉट बी गिवन टू फटीक एंड टूल द प्रोडक्शन मैनेजर डज नॉट प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट से लेबर टाइम स्टैंडर्ड्स देखो बेसिकली इसमें आपसे पूछा गया कि स्टैंडर्ड टाइम के, के लिए इसमें आ, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू है अब इसमें जो स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट्स टाइम जो पहला बार आपका ऑप्शन है दिस uh, इज आर्स नीडेड फॉर स्पेसिफाइड प्रोसेस ये अब जैसे मान लो कि आपकी कंपनी में दस लेबर्स हैं मान लो सौ लेबर्स हैं ठीक है थीके? अब आपने एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लिया कि भाई इतने घंटे में हज़ार यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो स्टैंडर्ड लेबर टाइम को रिप्रजेंट करता है मतलब स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट्स द टाइम इन आर स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफाइड प्रोसेस कैसे एक पर्टिकुलर काम के लिए कितना घंटा चाहिए वो स्टैंडर्ड लेबर टाइम होता है फिर नंबर पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप ऑफ मटीरियल्स प्राइस स्टैंडर्ड मटीरियल का प्राइस स्टैंडर्ड क्या सेटअप करेगा बट ऑब्वियसली परचेज डिपार्टमेंट क्यों क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीदेगा तो किस लेवल पे खरीदना है कितना खरीदना है क्या खरीदना है ताकि हमने जो प्लान किया उस हिसाब से हम बनाएं तो हमें प्रॉफिट उस हिसाब से और कॉस्ट कम लगे ये किसका काम है परचेस डिपार्टमेंट का काम है ठीक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ मत हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोड्यूस करना है कुछ भी खरीदना नहीं है फिर उसके बाद हमारे पास है वाइल्ड डिटरमाइनिंग मटीरियल क्वान्टिटी स्टैंडर्ड्स अ प्रॉपर कंसिडरेशन शुड बी असाइंड टू नॉर्मल मटीरियल वेटेज अब नॉर्मल मटीरियल वेटेज बोथ ए एंड बी नन ऑफ दब इसका आंसर है नॉर्मल मटीरियल वेटेज क्यों क्योंकि देखो वाइल्ड डिटरमाइनिंग मटीरियल क्वान्टिटी स्टैंडर्ड्स जो प्रॉपर कंसिडरेशन है वो नॉर्मल मटीरियल वेटेज को देना चाहिए वेस्टेज को देना चाहिए क्यों क्योंकि जो अब नॉर्मल वेस्टेज है ठीक है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते जो चीज़ एबनॉर्मल है वो होनी ही होनी है बट जो नॉर्मल मटेरियल वेस्टेज है अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी काफ़ी कॉस्ट कम लगेगी और वेस्टेज कम से कम होगा और आपकी प्रोडक्शन और ज़्यादा एफिशिएंटली हो पाएगी ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली प्राइस नहीं स्टैंडर्ड सेटिंग जब हम करते हैं तो हम बहुत कुछ देखते हैं उसकी क्या एफिशिएंसी कितनी है हमारा कैपेबिलिटी कितना है कैपिटल कितना है कितने रिसोर्सेज हमारे पास सब कुछ देखते हैं तो ये फॉल्स है द नेक्स्ट क्वेश्चन बेच भी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कमिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए रिस्पांसिबल है वेरिएशन के कॉम्पिटिशन के लिए डेविएशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिंक करने के लिए सारे टाइप के स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए या फिर ऑल ऑफ द अब बट ऑलवेज सबके लिए इंपॉर्टेंस है वेरिएशन कहाँ आ रही हैं कौन से रिस्पांसिबिलिटीज किस का तो लिंक करनी है कौन से स्टैंडर्ड्स किस टाइप के स्टैंडर्ड सेट करने हैं कौन से करने हैं क्या करने हैं ये सब कुछ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कमेटी का काम होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अबाउट नॉर्मल स्टैंडर्ड्स नॉर्मल स्टैंडर्ड्स आर मेंट टू स्मूथ आउट फ्लक्चुएशन कॉज्ड बाय साइक्लिक आर कैन बी अप्लाइड फॉर एब्जॉर्शन ऑफ ओवर हैड्स एंडबलिशिंग नार्मल स्टैंडर्स अलाउंस इज गन बी अपलाइडोप्शन ऑफ ओवर देखो नन ऑफ दी अबब क्यों क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन में बात की गई नॉर्मल स्टैंडर्स की और आपको ऑप्शंस कैसे दिए गए ऐसा लग रहा है कि बहुत कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम सी टर्म है जिसके बहुत बहुत ज़्यादा कोई सा मीनिंग है ठीक है फ्लक्चुएशन स्मूद आउट करना नॉर्मल स्टैंडर्ड का काम नहीं है ये एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड ही कर सकता है ठीक है एब्जॉपन ऑफ ओवर हैड नॉर्मल स्टैंडर्ड्स का काम नहीं है स्टैब्लिशिंग इन स्टैब्लिशिंग नॉर्मल स्टैंडर्ड्स ये तो एकदम मतलब ही बदल गया ऑप्शन सी में इसलिए नन ऑफ द अबब होगा दे नेक्स्ट ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अब देखो मैंने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया यूनिट वन पूरी कवर करी है इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन बी आर एस और कॉरपोरेट अकाउंटिंग यूनिट थ्री पूरी कवर करी है यूनिट टू नहीं करी क्योंकि यूनिट टू में रेशियो एनालिसिस है फिनंशियल एनालिसिस है और कैश फ्लो है वो तीनों बेसिकली प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं तो उन्हें मैं अलग से एक वीडियो में कवर करूँगी ताकि सेम सेम कंसेप्ट सेम सेम साथ पढ़ा दी जाऊँ ठीक है लास्ट टॉपिक हमारा यूनिट फोर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी कवर हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में देर आर थ्री डिपार्टमेंट्स ए बी एंड सी इन अ कंपनी ए बी और सी की सेल रिस्पेक्टिवली आपको दी हुई है साढ़े तीन लाख के आसपास तीन लाख के आसपास और डेढ़ लाख के आसपास ठीक है वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है ढाई लाख के आसपास डेढ़ लाख के आसपास और समथिंग समथिंग बिलो डेढ़ लाख ठीक और डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको दी हुई है ट्वेंटी एट थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड और ट्वेल ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड अब देखो जितनी कॉस्ट इनकी लगी है फिक्सड प्लस वेरिएबल और जो इनकी सेल हुई है तो दोनों को ऐड करके जितना डिफरेंस है मान लो अब इसमें रैंक करना है हमें कि हम कौन सी क्या रैंक करेंगे तो इसको आप कैलकुले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको कैलकुलेट कर लेना ठीक है इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही आपको मैंने बता दिया कि वेरिएबल कॉस्ट ऐड करो एक ही और क्या बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करो और फिर सेल्स में से माइनस कर दो तो जिसकी ज़्यादा आएगी ऑब्वियस सी बात है उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उसकी रैंक वन होगी फिर जिसकी कम आएगी उसकी रैंक टू और जैसे सबसे कम आएगी उसकी रैंक थ्री ठीक है आप इसको सॉल्व कर लेना अपने आप इन अ कंपनी डिपार्टमेंट ए रिकॉर्डेड लॉसेस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट ईयर और उसके बाद डिपार्टमेंट की सेल नाइन्टी थाउजेंड थी और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट नाइन्टी वन थाउजेंड थी भाई बाकी तो बताओ डायरेक्ट कॉस्ट कितनी थी फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी वेरिएबल क्या थी कुछ बताया नहीं तुमने तो चलो ठीक है एडवाइज दी मैनेजमेंट वेदर इट्स ऑपरेशन शुड बी कंटिन्यूड और टर्मिनेटेड कंटिन्यूड टर्मिनेटेड इनसफिशिएंट सफिश इसका आंसर होगा इनसफिशिएंट सफिशेंट इन्फॉर्मेशन क्योंकि हमें बाकी चीज़ें भी तो चाहिए ना ये जज करने के लिए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन अ कंट्रोल रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग रिजल्ट इन इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मोर फोकस इज पेड ऑन प्रोडक्ट्स प्रोसेसिस और जॉब्स नो फोकस इज पेड ऑन कंट्रोलिंग कॉस्ट अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए ट्रू है ठीक है इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या ऐसा रिजल्ट करती है बट ओबियसली इट इज़ ट्रू क्यों क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है ना कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किस डिपार्टमेंट ने क्या किया क्या नहीं तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत 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 ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं क्योंकि जब काम हो चुका है और उसके बाद आप कहते हो कि ये इसकी वजह से हुआ और ये उसकी वजह से हुआ तब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ते हैं ठीक है तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके बाद हमारे पास है

द रेवे इज रियलाइज और नॉट आउटपुट इज़ सोल्ड और नॉट बोथ ए एंड बी अब देखो प्रॉफिट सेंटर रिवेन्यू जो प्रॉफिट सेंटर रिवेन्यू होते हैं ठीक है वो मॉनिटरी मेजर ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं एक गिवन पीरियड में इ रिस्पेक्टिव चाहे रेवेन्यू मिल गया हो एक्जैक्टली exactly या ना मिला हो आउटपुट सोल्ड हो गया सोल्ड हो गया हो या ना हुआ हो बट जो भी हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिंग सेंटर इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिंग सेंटर को हम लोग प्रॉफिट सेंटर भी बोलते हैं क्योंकि जो मार्जिन जो हम कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रोडक्शन से और सेल्स से बाई भाई तो हमारा प्रॉफिट हुआ ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन कॉस्ट सेंटर्स मैनेजर्स हैव नो रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या ऐसा होता है कॉस्ट सेंटर में मैनेजर्स की कोई रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती बट ऑबियसली ट्रू क्यों क्योंकि जो कॉस्ट सेंटर होते हैं वो कॉस्ट सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेवेन्यू कमा के देने के लिए रिस्पांसिबल नहीं होते हैं ठीक है उसके लिए रेवेन्यू सेंटर्स हैं प्रॉफिट सेंटर्स हैं विच ऑफ द फॉलोविंग इज रिस्पांसिबिलिटी सेंटर एक्सपेंस सेंटर प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट सेंटर ऑल ऑफ दी अब भाई सारे ही रिस्पांसिबिलिटी सेंटर हैं एक्सपेंस की भी एक रिस्पांसिबिलिटी है प्रॉफिट भी एक रिस्पांसिबिलिटी और इन्वेस्टमेंट भी एक रिस्पांसिबिलिटी है फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है द रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स फॉर कंट्रोल पर्पजेज मे बी क्लासीफाइड इंटू डैश टाइप्स फाइव थ्री फोर नाइन ऑफ द अबब थ्री टाइप्स देखो मैंने आपको यूनिट वन यूनिट थ्री और यूनिट फोर पढ़ा दिया है थोड़े बहुत एमसीक्यूज जिसको लग रहा है कि कुछ रह गया है अगर उसने थोड़ी पढ़ी है तो वो रिवाइज कर ले बाकी एंड मोमेंट पे आप कुछ कहीं से ढूंढ ढूंढ -के, के पढ़ने की आपको नीड नहीं है अपने, अपने जो भी मैंने आपको पढ़ाया समझाया उसे एकदम माइंड में रखिएगा एग्जाम में अगर आपको जो चीज़ याद है उस पर डायरेक्ट क्लिक करिएगा और नहीं आ जाए तो सबसे पहले आप एलिमिनेशन को चूज़ करिएगा और जब आपसे दोनों ही ना हो पाए तो ही जय माता दी करिएगा प्लीज़ ठीक है क्योंकि एलिमिनेशन से सही होने के चांसेस नाइन्टी परसेंट ज़्यादा हो जाते हैं ठीक है सो so, बाकी मैंने आपको मैम जो मैम मैं आपको रेफ़र किया था मैंने उनके चैनल का लिंक आपको दे दिया है तो आप प्लीज़ उनको जाके एक बार देख लीजिए अगर आपको पढ़ना है और आपके पास पढ़ने का टाइम है आपको लगता है कैपेसिटी है तो पढ़ लीजिए एंड बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ डू लाइक एंड